मेरे लिए ये जो लम्हा है या मेरे संगीतकार होने के का जो मेरा वर्क है, इसमें मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी पूरी टीम का, उसमें ख़ास तौर से हमारे एक्टर डायरेक्टर बॉबी कुमार जी, और इसमें जो मखमली और अपनी सुरीली एक जो लेजेंडरी सिंगर जसविंदर जी जो हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ दी है इस सूफ़ी संगीत में, सूफ़ी गाने में। तो मैं उनका तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत और ये सब्जेक्ट जो बॉबी कुमार जी का है, इसमें बहुत सहयोग दिया है, जिसका जो इनका सब्जेक्ट है, ये कोई आम सब्जेक्ट नहीं है। ये समाज में किन्नर लोगों का उनके विषय में, उनके बारे में है, जो लोग की भावनाएं हैं, जो लोग इमोशनल भी होते हैं हमारी तरह, वो इंसान भी हैं, और उनके अंदर भी वो भावनाएं आदान प्रदान करने की सारी क्षमताएं भी हैं उनके अंदर। तो उनको भी समाज में हमको उसी नज़र से देखना चाहिए जो हम बाकी लोगों को, हम अपने भाई बहन या पड़ोसी या समाज में जिस नज़र से देखते हैं। तो मेरा बिल्कुल बस ये आम जनता से ये कहना है कि इस फिल्म को ज़रूर देखें, और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वर्बली भी जितना हो सकता है प्रचार कीजिए, और बाकी तो सारे चैनल्स और मीडिया हैं ही, आप लोगों का, मीडिया वालों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है हमको, और बाकी मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस गाने को ज़रूर सुनिएगा जिसमें जस्सी जी ने इतना अच्छा अपना स्वर दिए हैं और मैंने अपनी कोशिश की है, अश्वनी शंकर जी और मेरे दोस्त राइटर किशन पालीवाल जी ने ये गाना लिखा है और ये सूफी सॉन्ग लिखा है। एक बात मैं भी कहना चाहूँगी कि जो दीदी ने ये गाना गाया है, ये मेरे लिए नहीं है। एक ये जो कम्युनिटी है, जो समाज में जिन बच्चों को अपने घर में रखा नहीं जाता है और उनकी सेक्सुअलिटी एक क्वेश्चन मार्क हो जाती है और घर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो मैं यही कहती हूँ कि जितना दर्द एक माँ को एक नॉर्मल बच्चे को पैदा करने में लगता है, वैसा ही ऐसी कम्युनिटी के बच्चों को पैदा करने में उतना ही दर्द फील होता होगा। तो दीदी ने जो ये गाना गाया है, जसविंदर दीदी ने, मैं दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि इससे पहले सुनिधि जी है, ऋचा शर्मा जी है, और जावेद जी ने अपनी आवाज़ का जो इस इन इन फिल्म के गानों में दिया है, और दीदी ने जो गाना गाया है, ये गाना इंसानियत के ऊपर है। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई 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 चीज़ ही नहीं है, इसमें सिर्फ इंसानियत का पाठ पढ़ा है। और दीदी ने जो सुरीली आवाज़ से, जो जिस तरह से उन्होंने इन वर्डों को इस्तेमाल किया है, तो शायद मुझे लगता है कि मेरा फिल्म बनाना सफल होगा। अगर ये चीज़ बनकर बहुत अच्छे ढंग से समाज के सामने आ जाती है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अपने घरों को वापस चले जाएंगे, जो अपने घरों में वेट करते हैं कि उनको भी घर में जगह दे दो, वो भी तरस रहे हैं उस चीज़ के लिए जो घर से बाहर निकाल दिया गया जिनको। वेरी गुड, थैंक यू सो मच इस।